मध्य प्रदेश की राजनीति में पोस्टरवाद चालू हो गया है। शुरुआत हुई है विंध्य प्रदेश की राजधानी किसी जमाने में रहे रीवा से। रीवा की गलियारों में आज काफी सुर्खियां रही। सुबह से ही प्रदेश के सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वांटेड के पोस्टर कई जगह पर नजर आए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अरुण यादव पर ही आरोप लगा दिया। वहीं कांग्रेसी इस बात से अच्छे खासे नाराज आए। उन्होंने रीवा के सिविल लाइन थाने में पहुंचकर इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना था पुलिस जांच करे, जिस जगह पर ये पोस्टर लगाए गए हैं उस जगह पर कई जगह पर सीसीटीवी भी हैं, पुलिस आसानी से पता कर लेगी ये किसने लगाए हैं, किस वर्ग के लगाए हैं। ऐसी घृणित राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। वहीं साफ तौर से देखा जा रहा है इस पोस्टर वार ने एकाएक विंध्य की राजनीति में उफान ला दिया है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा साफ तौर से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जमीन विंध्य प्रदेश से खिसक गई है। पिछली बार उसको 24 सीट मिली थी, इस बार काफी कम मिलेंगी। उसका जीता जागता उदाहरण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रीवा आते हैं, अब शहडोल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये अपने आप में बताता है, यहां पर उनकी जमीन पूरी तरीके से सरक गई है। रीवा में राजनीतिक सरगर्मियां हुई काफी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर लगे, स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वांटेड का पोस्टर लगा रीवा की शहर की गलियों में। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस पोस्टर को अरुण यादव, दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस की साजिश बताया। वहीं कांग्रेस इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार देकर मुकदमा दर्ज कराकर जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह, पोस्टर मैंने देखा, गंदी राजनीति करना हमारा काम नहीं, यह कांग्रेस की दिग्विजय सिंह और अरुण यादव जैसे लोग ही करवा सकते हैं, ऐसा काम वह लोग ही करते हैं। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम करती है, वह किसी भी वर्ग के हों, कोई भी हों, हम रीवा के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। दिग्विजय सिंह अरुण यादव पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का आरोप बता रहा है, यह अजय सिंह नहीं बोल रहे, उनके मुख से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विंध्य प्रदेश की धरा पर लगातार दूसरी बार पहुंचना साफ तौर से बताता है भारतीय जनता पार्टी कितनी निराश है। बात कुछ भी हो, रीवा शहर के व्यस्ततम बाजारों में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पोस्टर वह भी करप्शन नाथ वांटेड की शक्ल में साफ तौर से बताता है निकट भविष्य में रीवा जिले में प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी उठापटक गहमा गहमी देखने में नजर आएगी। दोनों ही पार्टी के रीवा के जिला अध्यक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा पोस्टर वार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ये क्या है, BJP की चाल है या फिर कांग्रेस की कुछ ऐसी रणनीति है कि जो बदनाम करने के लिए है? देखिए, पोस्टर मैंने भी देखा, अभी मैं घर से आ रहा था। ये पोस्टर वार और ये गंदी राजनीति करना हमारा काम नहीं है, ये आपको कांग्रेस से ही पूछना चाहिए कि कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर दिग्विजय सिंह ने लगवाए हैं या अरुण यादव ने लगवाए हैं या कोई और लगवाए हैं, वो अपने आप में ही उनकी अंतर कला है जो आज रोड पे दिख रही है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे निश्चित तौर पर ये आपको हमको लगता है कि दिग्विजय सिंह के लोगों से, अरुण यादव के लोगों से ही पूछना चाहिए कि यह सब क्या है। पोस्टर वांटेड का लगा हुआ कमलनाथ का पोस्टर, क्या कांग्रेस की साजिश या भाजपा का षड्यंत्र? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ही इस किस्म के कार्य होते हैं, और जो भी किसी ने काम किया है
ये बड़ा घृणित और निम्न स्तर का काम है। हम इसके खिलाफ पुलिस में FIR लिखाएंगे और शिकायत करेंगे। इस किस्म के घृणित लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों और चाहे किसी भी स्थान किसी भी पार्टी के हों, उनको समाज में चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने बोला है कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने ही लगवाए हैं, क्या इस तरह की ऊंची राजनीति कांग्रेस में चलेगी या फिर भाजपा के ऐसे षड्यंत्र? भारतीय जनता पार्टी के ये जिला अध्यक्ष खुद नहीं बोल रहे, ये उनके मुंह से BT शर्मा बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। और भारतीय जनता पार्टी के पास आप षड्यंत्र के अलावा कुछ बचा नहीं। अब वो ये कांग्रेस की एकता, कांग्रेस की मजबूती से वो विचलित हैं। प्रधानमंत्री दोबारा आ रहे हैं विंध्य प्रदेश, अब इसके बाद कुछ कहने के लिए बचे हैं क्या?